उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक उपेंद्र जोशी की अध्यक्षता में सोमवार को प्रयागराज मंडल कार्यालय के सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें आगामी कुंभ मेला 2025 के सफल आयोजन के लिए कुंभ मेला 2013-2019 में कार्य करने वाले रेलवे अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक ने कहा कि यह कार्यशाला कुंभ 2025 के आयोजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से हम अपने हर क्षेत्र के संबंध में प्राप्त अनुभवों के अनुरूप पुनः एक बार अपनी तैयारी का आकलन कर उसको और बेहतर कर सकते हैं। वर्तमान में जो भी आधारभूत संरचना के कार्य चल रहे हैं, वह सारे समय से पूर्ण कर लिए जाएंगे। साथ ही ट्रेनों के ऑपरेशन पर बृहद रूप से मंथन किया जा रहा है। आज के विचारों का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने कुंभ 2019 के अपने अनुभवों को साझा किया और बताया कि क्या करें और क्या न करें। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले कर्मियों के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। अपर मंडल रेल प्रबंधक सामान्य प्रयागराज संजय सिंह ने कहा कि प्रयागराज मंडल ने गत अनुभवों से सीखते हुए कुंभ 2025 के लिए प्लान तैयार किया है, जिसमें आप सभी के अनुभवों को सम्मिलित कर फाइनल किया जाएगा। प्लान को तैयार करने के लिए सिविल प्रशासन के साथ कई दौर की बैठकें की जा चुकी है। मेला में आवागमन को निर्बाध रूप से चलाने के लिए शहर में 21 नए आरओबी आरयूबी का निर्माण किया जा चुका है। कार्यशाला में सभी अधिकारियों ने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा इंतजाम, टिकट वितरण एवं भीड़ के निर्बाध फ्लो पर अपने अपने अनुभव साझा किए। जो हम लोगों ने एक एक दिन सीखा उसको इन्होंने एक एक दिन अपडेट किया अपने लैपटॉप में। इनका लैपटॉप होता था तो लेकिन हमारे कमरे में आते थे सर, और इसको कोई भी सीख हुई कहीं पे साइड गड़बड़ मिली या कहीं पे कोई ओपनिंग मिल गई जहां पे कि ओपनिंग नहीं होनी चाहिए या कोई भी कुछ महाप्रबंधक महोदय उसने रेडी करके साहब थे, उन्होंने कुछ ऐसा बढ़ाया जो कि लगा कि बहुत स्ट्राइकिंग चीज है। किसी और पत्रकार ने कुछ बता लिया कि सर ये नहीं है ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ये सारी जो रिपोजिटरी है इन्फॉर्मेशन की ये अनिल द्विवेदी जी के लैपटॉप में थी और बाद में मेले के फौरन बाद इनका ट्रांसफर हो गया हेडक्वार्टर। और हम लोगों ने बड़ी कोशिश की आगे कि वो मेला के दौरान कितनी गाड़ियां समयबद्ध योजना अनुसार और भीड़ के लिए कितनी गाड़ियों का इंतजाम होना चाहिए, प्लेटफार्म पर पहुंचते समय गाड़ी के दरवाजे खुले होने चाहिए, आपात स्थिति में चिकित्सा व्यवस्था कैसे की जाएगी, कर्मचारियों के लिए रुकने और खाने पीने की व्यवस्था कैसी होगी, जैसे कई बिंदुओं पर अधिकारियों ने अपने विचार और सुझाव रखे। कार्यशाला में महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे अमिताभ, मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज हिमांशु बाडोनी, अपर मंडल रेल प्रबंधक सामान्य प्रयागराज संजय सिंह, सीनियर प्रोफेसर IRITM लखनऊ काजी मेराज अहमद, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त पूर्व मध्य रेलवे अमरेश कुमार एवं डीन IRIMI अनिल कुमार द्विवेदी, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त फिरोजपुर ऋषि पांडे, अपर महाप्रबंधक DFCCIL मन्नू प्रकाश, अजीत कुमार सिंह कार्यकारी निदेशक RDSO, विजय कुमार CCMPM पूर्वोत्तर रेलवे DIG RPF ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ, मुख्य इंजीनियर के सचिव IPS यादव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।